ये देखें, ये यहाँ मजदूर है, आप इसको पैसे देंगे तो ये आपका सामान गाड़ी तक छोड़ कर आएगा। अच्छा, अपना एक गा का क्या कितने लेते हो एक फेरे के? मुख्तलिफ जाते हैं। अच्छा, कितने पैसे मिल जाते हैं, दिहाड़ी कितनी कमा लेते हो? अपना का जानने वाला है ना, और अल्लाह का शुक्र है भाई, बच्चों की रोजी बन जाती है। अच्छा, कोई ऐसा गाहक होता है 150 भी दे के पैसे खत्म। तो ये सीडी की तरफ आप अलर्ट है? नहीं। आपका नंबर होता है कोई? हाँ, सीडी जिस तरह कुली होते हैं स्टेशन पे। हाँ जी, जिस तरह स्टेशन पे कुली होते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे आईडी कार्ड, अच्छा, मोबाइल नंबर, फोटो कॉपी सब कुछ सीडीए में होता है। सीडीए में कार्ड बना होता है आपका? जी हाँ, कार्ड होता है। ठीक ठीक, सही है। यो छोटी रेडी वाला नहीं मसला भैया, आदमी ले सामान ले के भाग जाए वो मसला नहीं। हाँ हाँ, मोबाइल नंबर सब कुछ आपका इधर इनके पास रजिस्टर्ड है सीडीए में? सीडीए में। जबरदस्त जबरदस्त। हमारी नौकरी नहीं, यो ये कमाई है ना, यो ही करते हैं, हमारी इधर नौकरी नहीं है। सही है सही। कोई अपने कुछ ज्यादा दे जाता, कोई कम दे जाता। ये पोर्टर है जो सामान लेके जाते हैं बाहर। ये तकरीबन सारे जूतों की है, दो गलियां हैं, जूतों की मार्केट है। ये नए जूते हैं पाकिस्तानी, ये देखें, शरबत वगैरह कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल है। ये पूरी जूते की मार्केट है, बाहर के और पाकिस्तानी और ये नए और पुराने सारे जूते यहाँ पे मिलते हैं। ये सारी जूतों की मार्केट है, आप देख रहे हैं। क्या हाल है भाई? कितने का जूता है आपके पास? कौन सा वाला लेना है? कितने से शुरू होता है जूता आपके पास? 1500 से 10,000 तक? 8,000 तक। ये सारे नए हैं या इसमें पुराने? ये नया शूज है, पुराने नहीं है, नया शूज है, इम्पोर्टेड वाले, बाहर के। ये बाहर के इम्पोर्टेड नया शूज है, इधर आ जाओ। ये इम्पोर्टेड शूज है, लंडे वाला एक्सपायर माल नहीं है, ये इम्पोर्टेड। हर एक ब्रांड का पड़ा हुआ है इसमें। अच्छा अच्छा, ये ब्रांडेड भी है इसमें। ये बाकायदा दुकान नंबर अलाट है, ये आप देख सकते हैं, इनका स्टॉल नंबर है। ये बच्चे यहाँ जूते की दुकान पे काम करते हैं, तकरीबन बाहर के जूते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेड। तो बहुत बड़ी मार्केट है, इस्लामाबाद पिशावर मोड़ बाजार है ये। तो ये सिर्फ जूतों का कंपार्ट है, इसी तरह हर चीज़ के अलहदा है, बर्तनों का है, सब्जी का है। और ये तकरीबन बहुत बड़ा बाज़ार है, तकरीबन पूरा इस्लामाबाद यहाँ से लेता है, ख़रीदारी करता है। जिस तरह मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार होते हैं, जुम्मा बाज़ार होते हैं दूसरे शहरों में, तो यहाँ भी जो है ये देख रहे हैं आप। ये लेडीज बैग है, हमने
टोटल ये बैग की मार्केट है, हैंडीक्राफ्ट बैग। ये देखें जी, यहाँ बैगों की दुकान है, बच्चों के, बड़ों के। ये बच्चा है यहाँ पे, राजा बाज़ार में इनकी दुकान है, और ये इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद पिशावर वो मार्केट। कितने दिन मार्केट होती है? तीन दिन, जुम्मा इतवार और मंगल। और जुम्मा? जुम्मा भी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बिलाल। सही है बिलाल, थैंक यू। लेडीज गारमेंट है और इसमें लेडीज बैठी है, लेडीज के लिए तकरीबन लेडीज गारमेंट में लेडीज ही होती है यहाँ पे। जी नाज़रीन, ये जो देखें आप क्राकरी, घड़ियाँ और बुंदे वगैरह और औरतों का सामान, कॉस्मेटिक्स, ये अलहदा गली है पूरी, यह मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक हैं। ये गारमेंट्स की दुकानें शुरू हो गई हैं, कपड़े की, ट्राउजर की। टोटल ये गारमेंट्स की दुकानें हैं, और आप ये देख रहे हैं कि तकरीबन ये कंपार्टमेंट गारमेंट्स का है। ये टोटल कपड़ों की दुकानें हैं, और उस तरफ देखा आपने कि बैग की दुकानें, उस तरफ ये गली है, बीच में हर कंपार्टमेंट अलहदा है। बहुत बड़ा बाज़ार है ये, इस्लामाबाद का पिशावर मोड़ का मार्केट है, और ये बाकायदा पक्की गलियां और हर स्टॉल जो है अलाट है। अभी आप देखेंगे लेडीज गारमेंट है। सर्दियाँ आने वाली हैं, तुमने मुझको बुलाया, और ये बाजार गर्म हो जाएगा। ये गर्म कपड़े हैं, कोट वगैरह। समुद्र
ये मार्केट वालों के तावन से ये पानी है पीने के लिए लोगों के। अब ये बर्तनों की मार्केट है कराकरी की, यहाँ आपको बर्तन मिलेंगे। ये बर्तन का कंपार्टमेंट है, यहाँ देख रहे हैं वाइपर, और ये टोटल बर्तन की मार्केट है। बर्तन, चूल्हे वगैरह, क्रॉकरी, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। देख सकते हैं मंगल बाजार, इस्लामाबाद, पेशावर मोड़। इस्लामाबाद की ये मार्केट है, मंगल बाजार, जुमा बाजार यहाँ लगता है। और ये फूलों की, आर्टिफिशियल फूलों की डेकोरेशन की दुकानें हैं। ये देख सकते हैं आप आर्टिफिशियल फूल, और ये कंपार्टमेंट बिल्कुल अलहदा है। टोटल इसमें यही दुकानें आपको मिलेंगी वहाँ तक। ये मूली गड्ढा किस तरह है? मूली सर 100 रुपए गड्ढा। कितनी 5 किलो होगी इसमें? इसमें सर तकरीबन है 4 किलो। सब्जी मार्केट है, लगी हुई है।
भी आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाजर आ गई है, गोभी है, पालक है, तकरीबन सर्दियों की सब्जी है ये और ताज़ी सब्जी होती है यहाँ पे और रेट भी जो है वो गवर्नमेंट से मुंसलिक रेट होते हैं। ये देखिए आप रेट देखिए, अब ये फ्रूट मार्केट है और इसके साथ ड्राई फ्रूट मार्केट है, ये यहाँ देखिए ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं और ये अपना क्या बेच ले रहे हो, हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो? टोकरी में सामान लेके जाते हैं। अच्छा, कितना कमाते हो? 1000-2000 डेली का। गेट है, ये सामने बेकरी का सामान है, और इसी तरह हर कंपार्टमेंट अलग-अलग है। ये फ्रूट की मार्केट है, इसमें सब्जी की मार्केट नहीं मिलेगी आपको, हर चीज का कंपार्टमेंट अलग है। सेब 150-200 सेब, ये देखो कितने सेब 150-200 टोटल। ये फ्रूट मार्केट है, ये भाई हमारे सवारी लेके जा रहे हैं, लोग खरीदते हैं, इनको बुक करते हैं और फिर ये गाड़ी तक सामान पहुंचाते हैं। अल्लाह का लख लख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि साडा मकान जड़ा ना वो अपना है, भावें निका जे कुछ भी है, मुताजगी नहीं है, ठीक है, लोगों के हालात इतने भैने अलैकुम भाई जान, कैसे हैं जी, कैसा है कारोबार? मार्केट सही है, ये गन्ने की दुकान है, तरह किलो है भाई 355 टोटल फ्रूट मार्केट है और सिर्फ सेपरेट फ्रूट मार्केट होती है, क्या आपको कोई दूसरी दुकान नहीं मिलेगी।